Yes, no. Chief format ma. Come. Okay. Ankita sir. Let's begin please. Ready? एक मिनट एक मिनट एक मिनट Want something? No, no, nothing. Just some water before I start. Just quickly, one sip. Silence, please. Guys, this is Ajay Kapoor, Kaita Productions. He's the producer of Parmanu also with me. And he's the producer of Raw. So, jo sawal aapko inse poochne hai, aap inse bhi poochiye. My daughter learned a lot from Parmanu. Yeah. Thanks. You learn a lot from Raw also. Yeah. No, seriously. It's really special. Ready? Silence. Okay, John, you will know. Acting or production? I think both, but acting is my first love. Enjoy acting. John, coffee, good coffee. जी एक्चुअली क्रेडिट तो मैं रॉबी ग्रेवाल को देना चाहता हूँ क्योंकि आइडिया उनका था, स्क्रिप्ट भी उनका ही है और जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट को मोल्ड किया था, जो कैरेक्टर प्रोग्रेशन था उसमें 18 डिफरेंट गेटअप्स थे. आई प्ले अ गाय फ्रॉम द एज ऑफ 26 टिल ही इज 85. तो काफ़ी डिफरेंट गेटअप्स थे इसमें और इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग. बहुत मज़ा आया, वी एन्जॉयड इट. काफ़ी टायरिंग भी रहा लेकिन गेटअप्स तो कोई भी कर सकता है. आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैरेक्टर प्रोग्रेशन और कैरेक्टर को कैसे ग्रास्प में लाना, सीखना कैरेक्टर के बारे में. और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा वो जर्नी. काफ़ी क्लासेस किए थे हम लोगों ने बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ. So it was really, really fantastic by the end of it. John, what about your physical transformations? Because of course आपने इतने सारे ages का बताया है, तो किस तरीके से आपने ये रोज़ शायद weight lose भी किया है उस चीज़ के लिए? Physically, yeah, there was a massive weight loss उस time पे. लेकिन I think like I said, physical transformations से ज़्यादा, क्योंकि transformation तो कोई भी कर सकता है. आप you know, being an old man, आपने देखा है मेरे Instagram पे. You can do it. उससे ज़्यादा is how do you play the character. वो playing the character सबसे important चीज़ होता है क्योंकि आज के तारीख में thankfully what people say is that you know we've stopped asking John Abraham about कितने किलोस कम और ज़्यादा किए इसने. It's more about how he performed his characters. तो performance पे हमने ज़्यादा गौर दिया है. We've concentrated a lot on the performances. और I think hopefully and I hope you all also feel the same कि इस फिल्म में जो परफॉर्मेंसेज है आपको अच्छे लगेंगे. जॉन आल्सो यू नो पहले आपने सत्यमेव जयते की परमानु के नाउ दिस इज रॉ समहाउ यू आर स्ट्राइकिंग अ पेट्रियोटिक कॉर्ड विद एवरी फिल्म. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? इट इज कोइंसिडेंस दैट आई एम डूइंग इट विद एवरी फिल्म बट ऑफ कोर्स आई एम एन इंडिया लवर एंड आई थिंक एनीबॉडी हु डजंट लव देयर कंट्री हैज अ प्रॉब्लम. सो आई रियली लव माय कंट्री. फर्क सिर्फ इतना ही कि आई फील आई लव माय कंट्री मोर देन एनीबॉडी लव्स इंडिया. So I feel ये by default है, by design नहीं है. मैं comedy भी कर रहा हूँ, पागलपंती कर रहा हूँ अभी अनीस बाजमी के साथ. उसके बाद अजय जो मेरे producer है, इनके साथ we are co-producing a film on motorcycle racing. So you know it's good that he also likes to experiment. मैं भी काफ़ी experiment कर रहा हूँ. तो हम लोग कोई specific trend follow नहीं कर रहे हैं. विकी डोनर जब हमने produce किया था, that became a trend. बधाई हो, शुभ मंगल, सावधान, एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर दैट. मद्रास कैफे जब भी हमने करी थी उसके बाद वो एक ट्रेंड बन गया था क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था उस टाइम पे कि विच फिल्म इज मद्रास कैफे लाइक. तो मैंने कहा हिंदी सिनेमा में ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊँ. तो मैंने कहा कि आर्गो जैसे बनी है शायद, जो एक इंटरनेशनल फिल्म थी. तो मैंने कहा आर्गो ठीक है देखते हैं, बट मद्रास कैफे पीपल एन्जॉयड. जो हमारे स्टूडियो है वायकॉम, दे प्रोड्यूस्ड मद्रास कैफे. तो रॉ एक अलग ही जानवर है. जब भी आप रॉ देखोगे यू विल से यार हमने तो सोचा कि ये एक रेगुलर पेट्रियाटिक फिल्म है लेकिन दिस इज़ नॉट योर रेगुलर पेट्रियाटिक फिल्म. इसमें काफ़ी शेड्स ऑफ ग्रे है. एंड व्हेन यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड कि इज ही अ स्पाई, इज ही अ हीरो, इज ही अ ट्रेटर, क्या है. एंड आई थिंक दिस फिल्म विल रिवील अ लॉट फॉर यू. जब भी आप फिल्म सेलेक्ट करते हैं, मतलब अभी जैसे उन्होंने कहा कि आप मतलब देशभक्ति के प्रति
ज्यादा फिल्में ले रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, तो जब एज एन एक्टर कोई अप्रोच करता है जॉन को स्क्रिप्ट लेके, तो पहले जब सिलेक्ट करने के पहले मतलब क्या एक जहन में बात आती है? जी मैं फॉर्चुनेटली मेरे लिए और फॉर्चुनेटली मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए और फॉर्चुनेटली आई थिंक फॉर एवरीवन इज़ मैं एक ऑडियंस की तरह सोचता हूँ. अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या नरेशन सुनता हूँ तो अगर मुझे हंसी आती है, रोना आता है, नॉट बिकॉज द स्क्रिप्ट इज़ बैड बट रोना आता है बिकॉज इट्स इमोशनल, या मुझे कुछ अच्छा लगता है स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले वाइज या प्लॉट बहुत अच्छा है, एज एन ऑडियंस इफ आई लाइक इट ऐसे मुझे करना है. उसके बाद मैं सोचता हूँ यार इसमें मुझे परफॉर्म भी करना है, अभी कैसे करूँ. स्क्रिप्ट तो अच्छी लगी मुझे क्योंकि इफ़ द पेंटिंग लुक्स गुड ऑल द कैरेक्टर्स इन द पेंटिंग स्टार्ट लुकिंग गुड. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही स्क्रिप्ट चुने, उसके बाद एवरीथिंग फॉल्स इन टू प्लेस. और जब से मैं प्रोड्यूसर बना हूँ आई थिंक द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज गॉन अप एंड यू नो एवरीथिंग इज चेंज्ड इन माई करियर. क्योंकि अभी you know we at least you know when you have like minded people even like Ajay you know you at least have the power to say nahi yaar Ajay hum log ye karte hai yaar studio ko hum log bolte hai hum log ye karte hai hum log ye try karte hai ye koshish karte hai ye trend mein nahi hai abhi sare log south indian films kar rahe hain kyun na hum kuch alag hi karke alag bhasha mein kuch bole and they say yaar are you sure this can happen and fortunately for us you know agar koi saath mein koi sehmat hai then we make it happen. तो इसीलिए हम लोग अलग किस्म की फिल्म कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू वर्क होपफुली. When I produce a film and I act in a film also, I am a director's actor. जैसे हमारे जो बहुत फेमस डायरेक्टर है इंटरनेशनली स्टीवन स्पीलबर्ग, उन्होंने कहा था कि an actor is as good or bad as his director. क्योंकि डायरेक्टर जॉकी होता है, एक्टर तो घोड़ा होता है. आप उनको उल्टी डायरेक्शन में भगा वो भागेगा, यू नो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेंड द एक्टर इन द राइट डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल थिंकिंग एक्टर्स. हम लोग सोचते हैं कैरेक्टर के बारे में, हम लोग कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड देन वी क्वेश्चन अ डायरेक्टर कि नहीं मुझे लग रहा है कि ये होगा ये होगा, वी क्वेश्चन. और अगर हमारा डायरेक्टर थोड़ा वीक निकला ना, वी टेक ओवर, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अ डायरेक्टर. मेरे लाइफ में जैसे अभिषेक शर्मा, रॉबी ग्रेवाल, ये बहुत, निखिल अडवाणी, बहुत ही श्योर डायरेक्टर्स हैं. अनीस भाई, उसके वो मतलब उनका जो क्राफ्ट है वो 100% है, आप उनको कुछ बोल ही नहीं सकते हो. सो व्हेन अ डायरेक्टर सो कॉन्फिडेंट, उनको पता होता है कि उनका क्राफ्ट क्या है, द फिल्म इनवेरिएबली टर्न्स आउट वेरी गुड. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आई डोंट थिंक देयर इज, मतलब आई डोंट नो, एक होता है कि हाँ एक एक्टर्स जो अंदर जाते बाहर आते खुद अपने एक्टर्स में बोलते व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म, व्हाट फैंटास्टिक, वो ना. हाँ वो होता है. I think it's good, it's maybe it's healthy and all that. लेकिन audience is very smart. They realize के नहीं यार ये मतलब वो setting बन गया है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, which is good. I think it's very healthy. Camaraderie बहुत important चीज़ होता है. I would love to go and promote every actor's film. मैं करना चाहता हूँ but genuinely from my heart, मैं trials नहीं देखता हूँ तो मैं कर नहीं सकता हूँ. करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, करण जोहर, I love him. I really love करण. परमाणु के टाइम पे ही केम, ही सजेस्टेड चेंजेस इन द फिल्म एंड ही सेड जॉन आप वैसे करो वैसे करो, ही हेल्प मी. सो इफ इट्स फॉर एनी ऑफ हिज फिल्म्स आई विल गो. वरुण मेरा अच्छा दोस्त है, आई विल 100%, टाइगर मेरा अच्छा दोस्त है, आई विल डेफिनेटली गो. लेकिन मैं करेक्ट नहीं बन सकता हूँ एक ऑडियंस के लिए. मतलब प्राइवेट में सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करके हु एम आई ट्राइंग टू टेल यू कि मैं बहुत अच्छा हूँ यार, इसके बारे में अच्छा बोला, मेरी फिल्म है भी नहीं, इसके क्या अच्छा बोला मैंने. सो आई कांट डू ऑल दैट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा, आपकी जो फिल्में रही हैं वो चाहे लेटेस्ट हो या फिर परमाणु हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं विकी डोनर एज अ प्रोड्यूसर भी, इसमें एक मुद्दा है और थोड़ा सा प्यार उसमें पिरोया है. मैं आपको एज अ प्रोड्यूसर टोटली फिल्मी लव स्टोरी बनाते हुए कब देख सकती हूं? यू नो इट्स सो शॉकिंग नो यू आर सेइंग दिस, क्योंकि सब लोग ने मुझे, मैं दिल्ली जाके आया हूँ और वहाँ पे काफ़ी प्रेस से मिला हूँ मैं, एंड द वन क्वेश्चन एवरीबडी इज आस्किंग मी इज़
why don't you do a love story, a romantic film? Or I would love to do it, but I need the right script to do a love story. And अगर एक script मिल जाए अच्छा, I would love to, क्योंकि मेरा जो लव है ज़्यादातर male actors की तरफ ज़्यादा होता है, अभिषेक बच्चन. I need to now shift gears. You know what I'm saying? So I really need to shift gears and I think I need to do a beautiful, beautiful love story. लेकिन कुछ मुझे ऐसा मिला नहीं. गरम मसाला. Promotion helps a film only to tell people that this is the date the film is releasing on. उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ. दैट इज द ओनली थिंग दैट विल टेक योर फिल्म थ्रू. आई कैन कम ऑन द इंटरनेट एंड से फास्टेस्ट 100 मिलियन व्यूज, फास्टेस्ट 50 मिलियन, 200 मिलियन व्यूज. और माई प्रोड्यूसर कैन, विच ही डज नॉट डू, विच इज गुड, बट ही कैन ईजली कम टू मी एंड से जॉन देखो ना आप ट्रेंड कर रहे हो, नंबर टू पे आप ट्रेंड कर रहे हो ऑन द, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ऑन ट्विटर. इट डजंट मेक अ डिफरेंस. फाइनली द क्वालिटी of your film is most important. You make a good film, the audience will come. You cannot fool the audience. John, do you forget to ask questions? Okay, one more question. Okay, John, you know, it said aapko film release ho rahi ho aur PM Narendra Modi bhi release ho rahi hai, to competition ko kaise dekhte hain? I'm sorry, I would really wish them all the very best, but I haven't seen the trailer of PM Modi, so you can tell me, how was the trailer? You liked it? Sorry? Okay. No, I haven't seen it. So, but okay, I can only say that I Umang Kumar ko janta hu. Personally, bahut achhe insaan hai. He's a very nice person. I also like him because he loves animals. So, main unko bahut chahta hu, and I'll only wish the best for him. And Vivek and everybody in that film involved. Kyunki kisi aur film ke baare mein bura nahi sochna chahiye. I really don't think. और एज अ प्रोड्यूसर आई से दिस, एज एन एक्टर आई से दिस, हर फिल्म को चलनी चाहिए. इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस एंड आई एम श्योर यू हर्ड दैट विद अदर एक्टर्स ऑल्सो सेइंग इट, बट इट्स अ फैक्ट. फिल्म, बिकॉज आई नो नंबर्स, आई एम टेलिंग यू, एवरी फिल्म शुड वर्क. आई होप एनी फिल्म दैट्स रिलीजिंग विद अस ऑल्सो. ऑगस्ट 15 पे भी हम लोग आ रहे हैं, दो और फिल्में आ रही है. आई विल ओनली प्रे दोज फिल्म्स वर्क. हर फिल्म को चलनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई से. जॉन, जिस तरह दो सालों में आपका ग्राफ बहुत ही ऊपर गया है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एक्टर या प्रेशर बढ़े आता है आप पर? या ह्यूज, क्योंकि अगर ये अभी नहीं, आप नहीं सोच सकते हो कि आई विल पिक अप दिस, चलो यार इसको साइड में हटा देते, जल्दी ये करके निकाल देते. नो, हर एक फिल्म के साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है. ऐसे भी हुआ है इनके साथ, जो हमारी फिल्म हमने अनाउंस की थी, वी वर वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट फॉर 2 ईयर्स, और 2 साल के बाद उस स्क्रिप्ट को पकड़ के हमने साइड में कर दिया. क्योंकि whoever heard it said it's fantastic, but we thought नहीं यार, this is 90%, it's not 100. So the responsibility is at another level now. So this film is not anti any country, it is not. आज के माहौल में भी मैं यही कहना क्लियर करना चाहता हूँ, it's not anti any country. It's not an anti-religion film at all. It's a very pro-India film, you know. At the same time, it's a film about human relationships. So, हम लोग ने उस पे ज़्यादा concentrate किया है. और film is a spy thriller. जो thrilling element है espionage का, उस पे ज़्यादा concentrate किया. और ये film बहुत बड़ी है, क्योंकि the backdrop is of a war. जो आपने देखे trailer में, the plane opening and the bombs coming down. So it's a huge film in that respect, and there's a lot of responsibility to get the facts right. So we cannot get into propaganda ya bashing, wo kuch nahi. We made a very honest film, aur Robbie ek bahut hi honest director hai. Aap kuch bhi bolo use, he won't get swayed. He wants to make his film. क्यों मिल रहे हैं ना? हाँ, लव स्टोरीज. व्हाट इज माय, दे शुड गो फॉर इट. नो, यू फॉर लव स्टोरी. नो, आई एम सेइंग दे शुड गो फॉर इट. यू डोंट वांट, यू वांट टू गो फॉर ओरिजिनल स्टोरी. आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू. I will set the trend and let people follow. I don't want to do what everybody does, not because I want to be different, but I want to do what I'm convinced with, not where everything is working and I'm confused. Kis ye chal raha, chalo ye bhi karte. I don't want to do that. He doesn't want to follow anything like what we are doing right now. Yeah. We're doing everything new. But let me tell you this: tomorrow, if a South Indian remake I see and I really like it,
I will do it. So it's not some trend that I want to follow. I'm just doing what I like to do. But if they're doing it, I wish them all the very best. Because I'm sure they're thinking it through before they do it. चलो वाइट लाइट इज वेरी इरिटेटिंग इसको बंद कर दो चलो